नमस्कार, मैं हूँ शैलेश कुमार सिंह। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का है और भारत इसे हर हालत में वापस लेकर रहेगा। इतना सुनते ही पाकिस्तान जैसे बौखला जाता है, वो चाहे कितना भी बौखलाए, लेकिन भारत को इसकी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। चमगादड़ चीन के सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि वो अपनी मर्यादा में रहे। उसने जब जब मर्यादा लांघी, तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी मर्यादा लांघने की कोशिश की है। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान ने रूस में चल रही सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में एक काल्पनिक नक्शा पेश किया। इस नक्शे में पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर के साथ जूनागढ़ और सर क्रिक को भी अपना बता दिया। फिर क्या था, एनएस अजीत डोभाल का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और वो बीच में ही मीटिंग छोड़कर चले गए। पाकिस्तान ने इस बार कोई आतंकी साजिश नहीं की, क्योंकि ये तो उसका रोज का काम है। हमारे भारतीय सुरक्षा बल रोज ऐसे लोगों को उनकी सही जगह पर पहुंचा देते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे कई देशों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। दरअसल पाकिस्तान ने सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में एक काल्पनिक नक्शा पेश किया। इस नक्शे में उसने भारत की जमीन को अपना बता दिया। इस नक्शे में पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर के साथ जूनागढ़ और सर क्रीक को भी अपना बताया। पड़ोसी देश के इस काल्पनिक नक्शे का विरोध करते हुए एनएसए अजीत डोभाल मीटिंग छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की इस हरकत को भारत ने बैठक के नियमों के खिलाफ बताया। भारत ने कहा कि उसके क्षेत्रों को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाना न केवल एससीओ चार्टर का उल्लंघन है, बल्कि ये एससीओ सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के स्थापित मानदंडों के भी खिलाफ है। बता दें कि ये बैठक रूस के मॉस्को शहर में हो रही थी। भारत के विरोध जताने के बाद रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जानकारी के मुताबिक रूस ने कहा कि वो पाकिस्तान के इस तरह के प्रयासों का समर्थन नहीं करता। रूस ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान के इस तरह के उकसावे भरे व्यवहार को नजरअंदाज करके भारत शंघाई सहयोग संगठन की बैठकों में भाग लेना जारी रखेगा। इस दौरान रूस के एनएसए ने भारतीय एनएसए के कदम का समर्थन किया है। पाकिस्तान का गलत तरीके से नक्शा लगाना एससीओ के नियम, शर्तों तथा मर्यादा के विरुद्ध है। एससीओ के सदस्य देशों के लिए पहले से ही ये शर्त लागू है कि वो बैठक के दौरान किसी भी सदस्य देश के साथ उकसावे भरा व्यवहार नहीं करेंगे। भारत ने आधिकारिक बयान में कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि मोईद यूसुफ ने जानबूझकर नक्शे को प्रमोट किया। विदेश मंत्रालय ने कहा ये मेजबान देश के आग्रह की नाफरमानी थी और इसमें मीटिंग के नियमों की अवहेलना की गई। उन्होंने कहा कि मेजबान देश की बात के बाद भारतीय दल ने विरोध जताते हुए बैठक छोड़ दी। अब पाकिस्तान को कौन समझाए कि चीन जैसे विस्तारवादी नीति की सोच रखने वाले देश के पिट्ठू बनने से काम नहीं चलता है। आज चीन पूरी दुनिया के निशाने पर है और अगर यही हाल पाकिस्तान का रहा तो आए दिन वो कटोरा लिए तो फिरता ही है, वो एक दिन खाने खाने के लिए दाने दाने का मोहताज हो जाएगा।